रुद्रप्रयाग संगम पे हैं हम लोग इस टाइम पे और कितना मस्त सा नजारा है। मैंने जस्ट आप देखो, बस देखो, देखने वाली चीज। गाइस ये भंडारा खाने रुके हैं दोनों जने। भंडारा चल रहा है यहाँ पे और कैंसर वालों की ओर यहाँ पे चल रहा है भंडारा। कैंसर वालों की ओर भंडारा खाने और रुद्रप्रयाग को क्रॉस करने के बाद हमें मिल गया है भंडारा खाने के लिए। तो भगवान जी का खाना और फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम भी नहीं छोड़ रहे हैं। और साइड में नदी जा रही है, बड़ा मस्त सा नजारा है। खाना मिल गया है हमें, खाना खा लेते हैं भैया। पानी खा लिया है भंडारा, और भंडारा था टेस्टी, सच में अच्छा सा खाना था, मजा आ गया खा के। शुभम को कैसा लगा? शुभम कैसा लगा खाना? भाई भंडारा तो जेन्युइन है, सारे लोग ये सीतापुर का जिनकी पीछे सामने का देखा। हाँ सोनप्रयाग आने वाला है, 5 मिनट की दूरी और सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे दोस्तों। और लोग बड़े उत्साह से यहाँ पे, और बस 5 मिनट और 5 मिनट में हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। भाई यूरी सामने पार्किंग, सामने पार्किंग है। यहाँ हमें पार्क, यहाँ से देखा, यहाँ हमें अपनी बाइक पार्क करनी है। पर्ची कटवा लेते हैं गाइस, पार्किंग की यहाँ पे पर्ची कटेगी हमारी, पर्ची कट चुकी है हमारी बाइक की, हमारी नहीं बाइक की पर्ची कट गई। अच्छे से लगा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बैग का कैसे करना है? बैग लेके जाओगे? गाइस फाइनली हमने कर दी है ट्रैकिंग स्टार्ट केदारनाथ की। जोश में है हम लोग, कैसा जोश है भैया आपका? भैया आपका जोश कैसा है? गाइस बहुत ज्यादा मेहनत है भैया पर। अरे भाई गिर जाऊंगा तो यहाँ से बाहर निकल। पहले जोश बता, पहले पहले जोश बहुत तगड़ा जोश बहुत है। अभी इनका जोश ठंडा हो जाएगा गाइस थोड़ी देर बाद, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक। गाड़ी में अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हालत खराब हो रही है, मजे फुला बहुत तगड़ी वाली, पूरे मजा आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे ना यात्रा रुक दी है, बोल रहे हैं आगे बर्फ गिर गई है। तो सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा, और पुलिस वाले सामने खड़े हैं, और आगे हमारे जुगाड़ बना रहे सिस्टम। यस मौका मिले मामला खत्म।
जैसे ही मौका मिले गाइस वो खड़ा पुलिस वाला और रास्ता हमें ब्लॉक करके खड़ा है और हम खड़े हैं कि जुगाड़ में कि जुगाड़ हो जाए और हम चले जाएं, लेकिन हो नहीं पाएगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। गाइस नहीं जा पाए हैं आज हम लोग, बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा और बारिश होने की वजह से यात्रा का मार्ग बंद कर दिया है और हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज कल को जाएंगे। हेलो गाइस, बेवकूफ़, अरे यहाँ पे तो और घर आ गए, मजा आया। हाँ यार यहाँ पे सही है, क्या यार तो है? अरे बैठेंगे कैसे, जाना तो पड़ेगा। गाइस इतनी सारी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे जो कि रास्ता यात्रा का रास्ता बंद होने की वजह से। बापू भूपी